नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभदीप और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिश्रा जी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को वायरस क्लीन कर सके और एकदम स्मूथली रन कर सके, वो भी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की मदद के बिना। तो मैं कुछ बेसिक सा स्टेप आपको दिखाऊंगा जो आप नॉर्मली, मतलब बिना कोई प्रोग्रामिंग या जानकारी के आप कर सकते हैं। तो पूरा स्टेप को फॉलो कीजिए। वीडियो के एंड में मैं सबसे अहम स्टेप बताऊंगा, तो प्लीज़ देखिएगा एंड तक। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट और आर एक साथ दबाना है, विंडोज स्टार्ट और आर की। तो वहाँ पर आपको टाइप करना है क्लीन MGR, CLEAN MGR। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पर आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर सारे जितने भी बॉक्स यहाँ पर टिक मार्क के लिए दिया गया है। अब नॉर्मल से कुछ बॉक्स जैसे कि टेम्पोररी फाइल्स होगा, उसके नीचे भी जो सिस्टम क्रिएटेड विंडोज एरर रिपोर्ट, ये भी इसको भी मार्क कर लीजिएगा। उसके ऊपर सिस्टम एरर मेमोरी डम्प फाइल जो होता है उसको मार्क कर लीजिएगा और ओके कर लीजिएगा। उसके बाद डिलीट फाइल्स पे क्लिक कीजिएगा, तो ये आपके सारे जितने भी क्रैश्ड फाइल है उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये आप ट्राई कीजिए। सबसे पहला स्टेप तो यही है और इससे बहुत आपको बहुत हेल्प होने वाला है। इससे मतलब जितने भी क्रैश फाइल है वो सारे डिलीट हो जाएगा। तो फिर से वही विंडोज स्टार्ट और आर कीजिए, उसके बाद टाइप कीजिए प्रीफेच PREFETCH और कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिएगा। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर फाइल है जो आपके कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर रहा है। मतलब अगर इसमें कोई भी वायरस होगा वगैरह तो सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप उसको डिलीट कीजिए और ध्यान में रखिएगा कि सारे फाइल्स डिलीट नहीं होंगे, कुछ होंगे, कुछ रह जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक फाइल रहेगा तो इसे नेक्स्ट टाइम हम लोग डिलीट कर लेंगे सेम प्रोसेस से। और ये आप वीकली अप्लाई कीजिएगा, हर रोज़ नहीं, वीकली। तो जो थर्ड स्टेप है बहुत ही आसान है, शायद आपको पता भी होगा। यहाँ पर फिर से वही विंडोज स्टार्ट और आर करके टेम्प परसेंट टेम्प, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। विंडोज स्टार्ट और आर को दबा के यहाँ पर पहले परसेंट का साइन, उसके बाद TEMP, फिर परसेंट और ओके कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद भी यहाँ पर ऐसे कुछ टेम्पोररी फाइल्स है ये अलग से, तो इस टेम्पोररी फाइल्स जो आपके कोई काम नहीं आता है तो इसको आपको डिलीट कर देना होगा। यहाँ पे भी सारे फाइल्स डिलीट नहीं होंगे, कुछ रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये तो तीन जो था, ये तो था नॉर्मल स्टेप। अब जो सबसे वाइटल दो स्टेप है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अब ध्यान से देखिएगा। आपके हर एक कंप्यूटर में आजकल, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक विंडोज डिफेंडर होता है या फिर फायरवॉल होता है, तो जो एंटीवायरस का काम करता है। जो क्या होता है, कभी डाउनलोड करेंगे कुछ, नेट से कुछ यूज़ करेंगे तो वहाँ पर मैलवेयर जो होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि ये विंडोज़ 10 में ऐसा ही ऑप्शन है, आप विंडोज़ 7, 8 सब में सर्च कर लीजिएगा विंडोज़ डिफेंडर सर्च बॉक्स में से, तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है वो ऑन है या नहीं। अगर ये ऑफ है तो तुरंत इसे ऑन कर लीजिएगा, ये आपको बहुत प्रोटेक्शन देगा। तो ये तो था नॉर्मल चार चीज़ दोस्तों। अब एक लास्ट टिप है जिसको आप रेगुलरली यूज़ मत कीजिए, जब आपको लगे कि आपका PC सच में बहुत ही स्लो हो रहा है, बहुत ही स्लो काम कर रहा है, या फिर VOSD जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ होता है, जहाँ पर नील स्क्रीन आ जाता है वहाँ पर ऐसे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से मैंने स्कैन कर रहा हूँ जो विंडोज़ डिफेंडर में, तो ये स्कैन टूल का भी यूज़ कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब जो सबसे लास्ट स्टेप है, आप सर्च बॉक्स पर जाइए, वहाँ पर जाने के बाद आप टाइप कीजिए CMD, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, CMD टाइप कीजिए, उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसके ऊपर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, याद रखिएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए आप SFC/scan now एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये थोड़ा टाइम लेगा, ये कैलकुलेशन चालू है, वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। मतलब अगर कंप्यूटर में ज़्यादा जंक फाइल है तो 1 घंटा भी ले सकता है, स्मूथ है तो 10 मिनट में हो जाएगा, तो मेरा जनरली 5 या 7 मिनट में हो जाता है। तो फिलहाल मैं इसे बैकग्राउंड में छोड़ देता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, इसको कभी भी आप मतलब डायरेक्टली क्लोज मत कर दीजिएगा, तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो ये कंप्लीट होने पर आपको दिखा देगा कि आपके कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है, और जनरली आपके सारे प्रॉब्लम्स ये खुद ब खुद
डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये सबसे बढ़िया एक चीज़ है जो आपके कंप्यूटर में दिया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।